children, how are you all? Hope all are you fine and safe. Myself, your math teacher. Today I am going to teach a math subject. In math subject, I will teach tick the correct answer. आज मैं आप लोग को क्या पढ़ाऊंगी children? आज मैं आप लोग को tick the correct answer पढ़ाऊंगी, जो कि मैंने आप लोग को पहले भी पढ़ाया है. Tick the correct answer का मतलब क्या होता है? Tick the correct answer का मतलब होता है, एक question दिया होता है, उसके four option दिए होते हैं. उन फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होता है, जिसपे आप लोग को क्या करना रहता है, टिक करना रहता है. ओके, तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, क्लास वर्क मेंशन करना है, डेट डालना है 4/2/2021, हेडिंग डालना है टिक द करेक्ट आंसर. इस तरीके से आप लोग को टिक करना रहता है फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो राइट होता है. ओके चिल्ड्रन, इस तरीके से नीट एंड क्लीन में सारे क्वेश्चन को राइट करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उसके बाद आप लोग को फोर ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे टिक करना रहता है, जो ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होता है. ओके, चलिए सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या राइट है चिल्ड्रेन, वन ईयर हैज डैश वीक्स. मैंने आप लोग को वन ईयर में कितने वीक्स होते हैं वो बताया है ना, तो आप लोग बताइए कितने वीक्स होते हैं. चलिए फोर ऑप्शन को पहले पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है 31, सेकेंड ऑप्शन है 62, थर्ड ऑप्शन है 42, फोर्थ ऑप्शन है 52. तो आप लोग बताइए वन ईयर में कितने वीक्स होते हैं. वेरी गुड, वन ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स. तो किस पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर फोर पे, 52 पे टिक कर देंगे. अब इसको रीड करेंगे, वन ईयर हैज 52 वीक्स. एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 को ही बोला जाता है 52. ओके चिल्ड्रेन, सेकंड क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, अ सॉलिड शेप विथ 6 स्क्वायर फेसेस इज डैश. यहाँ पे उस सॉलिड शेप का नाम बताना है जो 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं जिसके पास. चलिए ऑप्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है सिलेंडर, सेकंड ऑप्शन है स्फीयर, थर्ड ऑप्शन है क्यूब, फोर्थ ऑप्शन है कोन. तो आप लोग बताइए, मैंने आप लोग को एक्सरसाइजें कराई है ना, तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा. वेरी गुड, इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा, जिसमें होते हैं 6 स्क्वायर फेसेस, दैट इज क्यूब. इस पे टिक कर देंगे. अब इसको रीड करेंगे, अ सॉलिड शेप विद 6 स्क्वायर फेसेस इज क्यूब. ओके चिल्ड्रेन, क्यूब ही ऐसा शेप होता है जिसके 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं. ओके चिल्ड्रेन, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 4 वीक्स. यहाँ पे ये बताना है कि 4 वीक्स में कितने दिन होते हैं. चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट है 38 डेज, सेकेंड है 28 डेज, थर्ड है 12 डेज, फोर्थ है नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज का मतलब होता है ये तीनों आंसर आप लोग का एकदम रॉन्ग है, तब आप लोग क्या करते हैं, नन ऑफ दीज पे टिक करते हैं. तो आप लोग बताइए 4 वीक्स में कितने डेज होते हैं. 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो 7 डेज को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 4 = 28. तो 4 वीक्स में कितने डेज होते हैं, 4 वीक इज इक्वल टू 28 डेज. अब देखेंगे 4 ऑप्शन में 28 है कि नहीं. वेरी गुड, 4 ऑप्शन में 28 है सेकेंड ऑप्शन पे, तो इस पे क्या कर देंगे, इस पे टिक कर देंगे. अब इसको रीड करेंगे, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 4 वीक्स, देयर आर 28 डेज इन 4 वीक्स. ओके चिल्ड्रेन, क्वेश्चन है 6 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर. यहाँ पे 6 मीटर दिया है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है. तो 1 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो 6 मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे. चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 600, थर्ड ऑप्शन है 6000, फोर्थ ऑप्शन है 60. अब आप लोग बताइए 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, क्या करेंगे, 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, जिसमें लिखा है 600, क्योंकि 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर. ओके चिल्ड्रेन, इस पे टिक कर देंगे. अब इसको रीड करेंगे, 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर. फिफ्थ क्वेश्चन है, द यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड इज डैश. अब ऐसे यूनिट का नाम बताना है जिससे हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड को मेजर कर सकते हैं, मतलब लिक्विड को माप सकते हैं. चलिए इन फोर ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या राइट है. फर्स्ट ऑप्शन है किलोग्राम, सेकंड
नंबर थर्ड पे टिक करेंगे क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड पे ही लीटर राइट है। अब इसको रीड करेंगे, द यूनिट फॉर मेजरिंग लिक्विड्स इज लीटर। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच यूनिट विल टेल द वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग को ऐसे यूनिट का नाम बताना है जिससे हम लोग न्यू बॉर्न बेबी का वेट कर सकते हैं, मतलब वजन कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है केजी, थर्ड ऑप्शन है ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है मीटर। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है सबका। आप लोग बताइए ऐसा कौन सा यूनिट है जिससे हम लोग बच्चों का वजन कर सकते हैं। वेरी गुड, किलोग्राम। तो किलोग्राम कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे। किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है केजी, तो इस पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। केजी ही ऐसा यूनिट है जिससे हम लोग बच्चों का वेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम्स। अब यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1000, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 100, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आप बताइए 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। वेरी गुड, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है क्योंकि 1 किलोग्राम में ही 1000 ग्राम होते हैं। तो किस पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे टिक कर देंगे जिसपे राइट है 1000। अब इसको रीड करेंगे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। एट क्वेश्चन है, द फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड द डैश। क्लॉक के फेस के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक के फेस के नाम को हम लोग बोलते हैं डायल। अब देखेंगे कि इन फोर ऑप्शन में डायल है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है पेपर, सेकंड ऑप्शन है पेंसिल, थर्ड ऑप्शन है डायल, फोर्थ ऑप्शन है कार। तो आप लोग ने क्या बताया, आप लोग ने बताया कि क्लॉक के फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉक के फेस को हम लोग डायल बोलते हैं। तो डायल किस पे राइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड पे राइट है। तो इस पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब इसको रीड करेंगे, द फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड द डायल। समझ में आया। नाइन्थ क्वेश्चन है, 1/4 ऑफ 2 kg इक्वल टू डैश ग्राम। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, 2 kg का 1/4 निकालना है वो भी ग्राम में। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम में कितना होगा, 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम होगा। अब आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, 1/4 निकालना है, मतलब 1/4 बार निकालना है 2000 का। तो 2000 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 500। यहाँ पे करके देखते हैं, 2000 यहाँ पे राइट करते हैं और 4 यहाँ राइट करते हैं। 4 5 20 20 पूरा कट गया और ये दोनों जीरो आप लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो 2000 को जब हम लोग ने 4 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। तो 2000 का 1/4 बार कितना होता है, 500 होता है। अब देखेंगे ऑप्शन में 500 है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है 250, सेकंड ऑप्शन है 500, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज मतलब होता है ये तीनों आंसर आप लोग का एकदम करेक्ट है, तब आप लोग ऑल ऑफ दीज पे टिक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है जिसपे लिखा हुआ है 500। इस पे क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब इसको रीड करेंगे, 1/4 ऑफ 2 kg इज इक्वल टू डैश 500 ग्राम। 2 kg का 1/4 निकाले हैं तो आ रहा है 500 ग्राम। समझ में आया आप लोग को चिल्ड्रन, किस तरीके से मैंने किया इसी तरीके से आप लोग को भी करना है। लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ डैश, इट हैज 4 corners एंड 4 sides, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे आप लोग को ऐसे शेप का नाम बताना है जिसके 4 corners होते हैं और 4 sides होती हैं और उसके अपोजिट साइड मतलब सामने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब आप लोग बताइए ऐसा कौन सा शेप है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टेंगल, सेकेंड ऑप्शन है सर्किल, थर्ड ऑप्शन है कोण, फोर्थ ऑप्शन है स्क्वायर।
अपोजिट साइड मतलब सामने सामने वाले साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वेरी गुड, वो शेप का नाम है रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल ही एक ऐसा शेप है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल पर टिक कर देंगे। अब इसको रीड करेंगे, दिस इज अ रेक्टेंगल, इट हैज फोर कॉर्नर्स एंड फोर साइड्स, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ में आया? आई होप आप लोग को 10 के 10 क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आप लोग को टिक द करेक्ट आंसर को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने होमवर्क को देखते हैं, हम आप लोग को क्या होमवर्क देते हैं। ओके चिल्ड्रेन, सो चिल्ड्रेन जैसे कि मैंने भी आप लोग को जिस टॉपिक पे क्लास वर्क कराया है उसी टॉपिक पे आज हम आप लोग को होमवर्क देंगे। तो सबसे पहले आप लोग को अपनी कॉपी में क्या मेंशन करना है, होमवर्क मेंशन करना है, डेट डालना है 4/2/2021। फर्स्ट होमवर्क है आप लोग का चिल्ड्रेन सेम एज क्लास वर्क, जो मैंने अभी आप लोग को क्लास वर्क में कराया है उसी को आप लोग को एक बार अपनी कॉपी में फिर से राइट करके रिपीट करना है, उसको लर्न करना है। सेकेंड होमवर्क है आप लोग का चिल्ड्रेन, राइट द बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम 109 से लेकर 50 तक बैकवर्ड काउंटिंग राइट करना है। बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब क्या होता है, उल्टी गिनती। सारे चिल्ड्रेन को बैकवर्ड काउंटिंग एकदम अच्छे से आती है, 109 से लेकर 50 तक आप लोग को बैकवर्ड काउंटिंग अपने कॉपी में राइट करना है। ओके चिल्ड्रेन, और वीडियो को देखने के बाद लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाके अपना नेम क्लास सेक्शन जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि आप लोग की अटेंडेंस लगेगी, क्योंकि अटेंडेंस लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी चीजें अब आप लोग को पढ़ाई जाती है उसको डेली रिवाइज किया करिए, रिवाइज करने से सारी चीजें आप लोग को एकदम अच्छे से आने लगेगी। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।